आइडेंटिटी, हम, मैं, इसके पीछे आदमी कैसे दौड़ते रहता है, उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लोगों के पास में बहुत पैसा है, बहुत अमीर लोग हैं, उनका अहम भी बहुत ज़बरदस्त है, उनकी आइडेंटिटी जो है मैं, अहमपना, वो भी बहुत ज़्यादा है। उनके पास में बहुत अच्छे गुण हैं जिसके जरिए वो सक्सेस मिलाते रहते हैं, और हम देखते हैं कि नहीं, मुझे वो आदमी जैसा बनना है, और वो आदमी मैं बनूँगा तो मेरी ज़िंदगी बस लाली लाल हो जाएगी, और उसके लिए मैं दौड़ते रहता हूँ। मगर वो आदमी जो जहाँ वहाँ पहुँचा है, क्या वो खुश है? क्या उसको जो चाहिए वो मिला हुआ है? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा रहता है। मैं आज जो बात करने वाला हूँ, वह एक चार्ल्स फॉस्टर केन, एक कैरेक्टर बताया हुआ है सिटीजन केन, ये फिल्म में। मैं सिटीजन केन ये फिल्म जो है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये जो फिल्म है, ये फिल्म में ऐसा बताया गया है कि ये जो कैरेक्टर है चार्ल्स फॉस्टर केन, तो फिल्म की शुरुआत ही होती है कि ये डेथ बेड पे है, मृत्युशैया पे है, मृत्युशैया पे है, आखिरी की सांस ले रहा है, उसके हाथ में ग्लास है, आखिरी की सांस लेता है, वो ग्लास फूट जाता है, और फूट जाता है तो वो उस समय आखिरी की सांस लेके जब मर जाता है तो ये बोलता है रोज बढ़, और खलास हो जाता है। जब ये मरने के समय ग्लास फूट के जब ये बोलता है कि रोज बढ़, तो वहाँ जो लोग रहते बोलते कि ये इसने ऐसा क्यों किया, ये रोज बढ़ का मतलब क्या होता है, ये रोज बढ़ ऐसा क्यों बोला उसने मरने के समय। तो वहाँ का एक जो रिपोर्टर रहता है वो उसकी खोज करता है कि भाई ये मतलब क्या है इसका, क्या हुआ क्या नहीं। तो शुरुआती मूवी की यहाँ से होती है, फिर वो फ्लैशबैक पे चले जाता है, फिर वो रिपोर्टर पूरा उसका कहानी, मतलब उसकी लाइफ की कहानी देखता है। तो जो चार्ल्स फॉस्टर के ने छोटा लड़का जब था, बहुत मजा करता था, बर्फ में खेलता था, बर्फ में जो लकड़ी आती है ना, वो लकड़ी के ऊपर खड़े रह के जब वो स्लाइड कर लेते हैं, स्लेज बोलते हैं ना उसको, स्लेज, तो वो लकड़ी के ऊपर खेल रहा है, बहुत खुशी है, बहुत मजा मस्ती कर रहा है, और ऐसा उसको बताया हुआ है, बहुत ही मजा कर रहा है वो लकड़ी के ऊपर, बर्फ में खेल रहा है, कूद रहा है, बहुत मजा आ रही है। होता क्या है कि उसके पेरेंट्स को अचानक बहुत बड़ा पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा। जैसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो ये सोचते हैं कि अभी अपने लड़के को अपन बहुत सिखाएंगे, बहुत बड़ा करेंगे, तो वो उसको एक बहुत बड़े स्कूल में डालते हैं, इंटरनेशनल स्कूल में, उसके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करते हैं, उसको हॉस्टल में रखते हैं, और उसको बहुत हाई एजुकेशन देते हैं, हाईली एजुकेशन। तो हाईली एजुकेटेड बनता है वो, और एम्बिशियस भी बहुत बन जाता है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस। वो एक मैगजीन जो है वो खरीदता है, न्यूज़पेपर खरीदता है, और न्यूज़पेपर का एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है। आपको पता ही है कि न्यूज़पेपर बोले तो बहुत फेमस, विज्ञापन बहुत अखबार में रोज चालू है छपना, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा सर्कुलेशन न्यूज़पेपर का है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत पैसा उसको मिलता है, बहुत नाम हो जाता है, जितना चाहे उतना पैसा उसको मिल रहा है, और वो बड़े बड़े जो बिजनेसेस है वो खरीदता है, और न्यूज़पेपर वो खरीदता है, मर्जर करता रहता है, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, पैसा लगे उतना पैसा मिल रहा है, लगे उतनी पावर मिल रही, सब उसको मिल रहा है, और ये सब होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है। जो चाहे उसको मिल रहा है, बताया कि उसने बहुत बड़ा पैलेस खरीद रहा है, बहुत बड़े पैलेस में वो रह रहा है, हीरे जवाहरात बहुत है, बड़े बड़े डायमंड्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े हीरे पैलेस में लगे हुए, बहुत कीमती पैलेस है, मतलब कोई भी चाहे तो बोले नहीं मुझे ना ऐसा जीवन जीने का है, ऐसा जीवन जी रहा है वो, और उस समय भी उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसको समाधान नहीं, उसको खुशी नहीं, शांति नहीं। फिर मूवी बताई हुई है, फिर से वापस वो जगह पे जहाँ वो मर रहा है, मृत्युशैया पे है और मर रहा है, वो ग्लास फूट जाता है, बोलता है रोज बढ़। जैसा वो मर जाता है तो फिर सब लोग देखते हैं कि अभी इसके पैलेस का सब साफ सफाई करो मरने के बाद में, तो पैलेस पूरा साफ सफाई करते हैं, और सब उठा उठा के जो पुराना पुराना माल रहता है वो निकाल के वो जलाने के लिए चालू कर देते हैं। ये सब जब तलघर में का सब माल निकालते हैं, सब कचरा निकालते हैं, सब निकालते रहते हो, तो वो निकालते निकालते उनको एक लकड़ी मिल जाती है, वो भी वो उठाते हैं और वो जलाने के लिए जब डालते हैं आग में, तो वहाँ वो लकड़ी के ऊपर लोग देखते हैं लिखा हुआ रोज बढ़, और सब पूरा रहस्य वहाँ खुल जाता है, कह रहे रोज बढ़ और ये लकड़ी, मतलब वो जब बच्चा था तब वो लकड़ी के ऊपर जब खेलता था
वो लकड़ी के ऊपर बर्फ में खेलता था, जो वो खुशियाँ, जो वो समाधान, शांति, आनंद उसको मिलता था, वो मिलाने के लिए वो सब उसके चक्कर चालू थे दुनिया भर के, और वो आखिरी तक उसको मिले नहीं। आखिरी उसके जब मृत्युशय पे था तब वही उसका था कि मुझे वो चाहिए था, मुझे वो मिला नहीं, और पिक्चर वहीं खलास हो जाती है। आपकी लाइफ देखो क्या है, तो आप भी ऐसी है कि भाई खुशियाँ मिलाने के लिए है, समाधान शांति मिलाने के लिए है, दौड़ रहे हैं, मगर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जितना चाहे उतना पावर, जितना चाहे उतना पैसा है, मगर आपको शांति नहीं है, समाधान नहीं है, खुशियाँ नहीं है, क्योंकि आपको जो आइडेंटिटी है, मैं, मेरा, मेरा ये है, वो आपको कभी शांति, खुशियाँ, समाधान, आनंद देगा नहीं, क्योंकि पूरा फोकस जो है वो आपके ऊपर है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मेरी प्रशंसा चाहिए, वो कभी आपको देने वाले हैं नहीं। आपको कब मिलेंगे वो? जब आप लोगों के लिए खड़े रहते हो, लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को कुछ देते हैं जो लोगों को चाहिए, तब खुशियाँ जो मिलती है वो खुशियाँ आपको कहीं मिलेंगी नहीं। साइंटिफिकली आपको बताने का है तो ये भी है कि जब आप लोगों के जीवन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, सेरोटोनिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्त्राव होता है, उससे भी आपको बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करो, लोगों के जीवन में फ़र्क करना चालू करो, ना कि मैं, क्योंकि मैं कभी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, मैं कभी शांति मैं को मिलने वाली नहीं है, मैं कभी समाधान होने वाला है नहीं। जो भी है वो लोगों के लिए करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।